में तो लेंगे। मुझे पहचान रहे हो? शेरी पहचान रहे मुझे? अरे पहचान रहे हो बताओ ना। हाँ और क्या। गाइस ये मैं बैठी थी भाभी के सोफा रूम में यानी गेस्ट रूम में, तो मैं यहाँ भी थोड़ा सा वीडियो शूट कर रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और सोच रहे थे कि कौन सी भाभी हैं, कहाँ की भाभी हैं, तो मैं काम से गुरुग्राम, तो गुरुग्राम का ये वीडियो है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और ये है भाभी सुमर, सुंदर रखना सुंदर आ ही नहीं रहे। यही मैं बैठी थी, पानी उनी पी थी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी थी, बैठी हुई थी। उसके बाद हम लोग का खाना पीना हुआ। मेरी वीडियो में कुछ आजा मेरे लिए चली आजा, तो आओ लोग आओ जल्दी। ओए लाइव का मशीन तो दिखाएं थोड़ा सा, देख सकते हो यहाँ पे अभी लाइव आए हैं, अभी लोग जुड़े नहीं है, जुड़ेंगे अभी लोग। गया एक तो जो आया था और ये महाराजा जी छोटी छोटी बना के यहाँ बैठे हुए हैं बहुत डांस किया है, डांस करके थक गया है, थक तो बैठा हुआ है, ये थक के बैठा हुआ है, देख सकते हो आप, बहुत बदमाशी किया है। हेलो करो, हेलो 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 तो कर दो आप, हेलो करो, बोलो कुछ, हेलो और ये कंटिन्यू मत करो। ए श्वेता ये हमारे घर आई हुई है, गुड़गांव आई है ये मेरे से मिलने के लिए। कहाँ से? बिहार से। बिहार से मिलने के आई है मुझसे। हाँ बिहार से बोलती बोलती बिहार से कब आई थी? कल परसों 20 तारीख को। हाँ 20 को आई थी, मगर 20 को मैं यहाँ थी नहीं, मैं शादी में गई थी। 21 की थी, 20 को गई थी मैं। और 20 को 21 को फिर मैं शाम को घर आ गई थी, फिर मैंने इसको कॉल किया कि मैं घर आ गई हूँ तू आ जा, फिर ये आ जाइए मेरे पास मुझसे मिलने के लिए। आना तो उसे उस दिन ही था जिस दिन ये मतलब आई थी, मगर मैं चली गई थी तो इसलिए मेरे पास नहीं आई। बहुत प्यारी है बहुत ज़्यादा, मगर क्या करे भगवान, थोड़ा टेढ़ा हो गया इसी किस्मत में। कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कहते तो ये हैं, मगर उसमें क्या अच्छाई चुकी है अब देखो आगे आगे पता लगेगा, अभी तक तो ऐसा ही है। और क्या बताऊँ, ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, लीची बहुत अच्छी, बहुत साफ है, मतलब तारीफ जितनी करो उतनी कम, बहुत अच्छी है, बहुत है, बहुत अच्छी सच में। मतलब मैंने इतने लोग देखे हैं, मतलब अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं, ऐसे नहीं है कि मैं नहीं मिली हूँ, मगर जो अटैचमेंट इससे है और किसी से नहीं हुई इतनी। बहुत सारी थे मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं थी लेडी से मेरे साथ, बहुत सारी थी, मगर जो अटैचमेंट इससे है, जो प्यार इससे है, जो लगाव अब तक इससे बना हुआ है, और एक मंजू वो हमारे बीच अभी नहीं है, जो हमारे साथ नहीं है वो अपने उसमें गांव में
मगर उसकी भी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है। एक हम मतलब हम तीन ही एक ऐसे हैं जो हम अब इतने सालों में जो थे, जो हम एक साथ जुड़े हुए हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और शायद हमेशा ही रहेंगे, जब तक जिएंगे तब तक। मुझे इनकी बहुत याद आती है, इसकी मंजू की बहुत ज़्यादा याद आती है। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, परसों पर की बात है, मैंने रोटियां बनाई तो रोटियां मैंने थोड़ी छोटी छोटी बनाई थी, पता नहीं क्या था मन में क्या आ रहा था, मैंने छोटी छोटी रोटी बनाई, रोटी बना के मैंने सैलों में रख दी। तो मेरे जो बेटा है बड़े वाला, वो खाना खाने लगा तो कहने लगा कि मम्मी एक बात आपसे पूछूँ। मैं कहा पूछ बेटा। कहने लगा आज आपको मंजू आंटी की याद आ रही थी। तो मैंने कहा मैं कि क्या बात है, कह रही आपने ना रोटियां बहुत छोटी छोटी बनाई हैं, ऐसा लग रहा जैसे कि तुम्हें मंजू आंटी को सोच, मंजू आंटी बनाती थी इतनी छोटी छोटी रोटी, मंजू आंटी को याद करके तुम ये छोटी छोटी रोटी बनाई। मुझे तो कुछ नहीं समझ रही, उनको तो नहीं भूल पाती कहीं ना कहीं पूरे दिन में, चाहे कहीं भी ना कहीं किसी भी वक्त किसी ना किसी बात में, खाने में हो, ओढ़ने में हो, पहनने में हो, कहीं भी याद आ जाती है। तो यादें नहीं भूली जाती, यादें हमेशा साथ रहती हैं, मगर वो टाइम बदल के फिर नहीं आएगा जो पहले था। मैं हम कितने खुश थे, एक साथ रहते थे सारे के सारे, एक साथ खाना, एक साथ पीना, एक साथ घूमने जाना सबके, और सारे एक साथ बैठ के हंसी मजाक करना, वो बहुत अच्छा लगता था। वो टाइम बहुत मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है वो टाइम फिर दोबारा आए, सब के सब एक साथ हो और फिर वही हंसी मजाक करें, वही बातें करें, वही घूमना हो, वही ओढ़ना हो, वही पहनना हो, वही डांस करना हो। डांस मतलब एक एक मूवमेंट ऐसा होता था, अगर हम थोड़ा सा भी खुश है ना, चलो भाई डांस करते हैं, डीजे बजाओ और डांस करना शुरू कर देते। मतलब वो मुझे डांस नहीं आता था, वो डीजे थोड़ा थोड़ा सिखा दिया था। श्वेता को डांस नहीं आता था, श्वेता डांस नहीं कर पाती थी, मगर श्वेता अब यहाँ पे रह के हमारे साथ रह गए, डांस तो मंजू को भी नहीं आता था, है ना, थोड़ा थोड़ा मंजू तो कर लेती थी, बट मैं बिल्कुल ही नहीं करती। मगर मंजू भी सीख गई थी डांस करना और ये भी सीख गई थी। मगर खुद मिला के जब हम एक साथ डांस करते थे तो कोई किसी को ऐसा नहीं लगता था, फील होता था कि इसको डांस नहीं आता, सब एक साथ कूदते थे, डांस करते थे, बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता है कि दोबारा वो दिन आए, दोबारा वो टाइम आए। मैं तो ये सोचती हूँ कि दोबारा वही दिन आए, दोबारा वही टाइम आए, हंसी मजाक करें एक साथ। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि दोबारा वही टाइम आए और हम फिर दोबारा से एक साथ रहें और एक साथ प्यार से रहें, तो मैं तो ये सोचती हूँ दोबारा वो टाइम आए। और दुआ करती हूँ ये हमेशा खुश रहे, बस हमेशा, कोई गम ना छू पाए इसे, हमेशा खुश रहे, इसके बच्चे खुश रहें, ये खुश रहे, मैं ये दुआ करती हूँ कान्हा जी से कि हमेशा खुश रहे, बस और कुछ ना। आप कैसे आ गई? आ गई बस ऐसे ही, वीडियो तो ऑन नहीं हुई और उसके बाद बोले जा रही हूँ, बोले जा रही। मैं भी हूँ सो घर रख गई हूँ, खुशी का इसका खुशी का ठिकाना नहीं है, खुशी के मारे पगलाए गई है। वो तो कह रही है खुशी कम में भी लोग पागल होते हैं, खुशी में भी पागल होते हैं। हाँ, तो ये खुशी में पागल हो गई, अभी मैं खुशी में पागल हो रही हूँ। सही कह रही है, वैसे ये गम में पागल है और मैं तुम दोनों में पागल हूँ। वो तो कह रही मैं तुम दोनों में पागल हूँ, मैं तुम दोनों को सोच सोच के पागल हूँ। ब्लॉग देखना मंजू, अब ब्लॉग में आओगी, ब्लॉग ही देखूंगी और करूंगी क्या। गुस्से में आ रखी है मंजू। सही बात है। बीवा दीदी भी आ रही है ब्लॉग में।
इतनी स्पीड में पोछा लगाते हुए। चेरी बस बनाऊंगी, अब बनाने जा रही हूँ। आओ चेरी। हेलो।